ऋषि विश्वा और राक्षसी कैकसी की सबसे छोटी बेटी तथा रावण की बहन मीनाक्षी, जिसे आगे चलकर सूर्पनखा के नाम से जाना गया। सूर्पनखा यानी लंबे नुकीले नाखूनों वाली। हम अक्सर सुनते हैं कि सूर्पनखा श्री राम और लक्ष्मण जी को देखकर उनकी ओर आकर्षित हो गई थी, लेकिन रामायण के कुछ गुप्त रहस्यों के अनुसार इस आकर्षण के पीछे छुपी हुई थी बदले की आग, जो सूर्पनखा रावण से लेना चाह रही थी। लेकिन ऐसी क्या बात थी जो सूर्पनखा अपने भाई के खिलाफ हो गई? तो चलिए जानते हैं। जब सूर्पनखा जवान हुई तो उसे दानव दुष्ट बुद्धि से प्रेम हो गया। दुष्ट बुद्धि काल के दानवों का राजा था। उन दोनों ने भागकर शादी कर ली। ये बात जब रावण को पता चली तो वो अत्यंत क्रोधित हो गया, क्योंकि दानवों और असुरों के बीच सदियों से दुश्मनी चली आ रही थी। रावण हैरान था कि दानवों का राजा होने के बाद भी दुष्ट बुद्धि ने सूर्पनखा से विवाह क्यों किया। दुष्ट बुद्धि जो सूर्पनखा की आड़ में रावण की मृत्यु की साजिश कर रहा था। रावण ने दुष्ट बुद्धि के राज्य पर आक्रमण कर दिया और उसकी हत्या कर दी। पति की मृत्यु होने पर सूर्पनखा बहुत दुखी हुई। इसी कारण से उसके मन में भाई के खिलाफ नफरत बढ़ने लगी। यही कारण था कि उसने रावण के मन में सीता को पाने की इच्छा जगाई, और रावण की मृत्यु तथा उनके परिवार के विनाश के साथ सूर्पनखा ने अपने पति की मृत्यु का बदला लिया। रामायण में सूर्पनखा की कहानी सीता माता के अपहरण से पहले ही खत्म हो जाती। लेकिन सच तो ये है कि श्री राम और रावण को एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा करने में सूर्पनखा का बहुत ही बड़ा हाथ था। ना ही वो रावण के सामने जाकर सीता जी की खूबसूरती का गुणगान करती, और ना ही सीता का अपहरण होता, और ना ही लंका का भयंकर विनाश होता। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।